क्लास में सब्जेक्ट हिस्ट्री टॉपिक्स भारत में राष्ट्रवाद का जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को घटी। जालियांवाला बाग हत्याकांड कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। डॉक्टर सतपाल और सत्यगन किचलू के गिरफ्तारी और रॉलेट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन पंजाब के अमृतसर जिले के जालियांवाला बाग में एक शांति सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में हजारों की संख्या में स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े इकट्ठा हुए थे। इसी समय इस सभा के आयोजन से पहले जनरल डायर ने मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था, यानी 144 धारा। फिर भी इस सभा में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और इस जालियांवाला बाग में जाने के लिए एक सक्रिय रास्ता थी और ये बाग चारों से घिरा हुआ था। ये सभा शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था। इसी समय जनरल डायर के नेतृत्व में सैकड़ों सिपाहियों ने बाग के मुख्य द्वार को घेर लिया और उसी समय डॉक्टर हंसराज का भाषण चल रहा था। ठीक ऐसे ही समय में ब्रिटिश सैनिकों ने बिना कहे पूछे सभा स्थल में सैकड़ों राउंड गोलियां चलवा दी, जिसमें हजारों की संख्या में घायल हुए और मृत्यु भी। इस घटना को भारतीय इतिहास में जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है।